फर्स्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्टोरी राइटिंग के बारे में सम ऑब्जेक्टिव टिप्स में देने जा रहा हूँ, तो आप इसको अंत तक देख लेना। तो पहले तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान लगा मतलब कॉन्सेंट्रेट करना है और फिर इसको समझ लेना है। फिर आपको पता चलेगा कि इनमें से किसी तो चार प्रकार में दे जाएगी, एक ही दिया जाएगा। सो स्टार्टिंग दी जाएगी तो आपको सेकंड पैराग्राफ, एंडिंग, मॉरल भी लिखना है, टाइटल भी लिखना है, ये इम्पोर्टेंट है मॉरल टाइटल। देन आपको मेन वर्ड लिखनी है, स्टोरी शुड बी इन वन पेज बिकॉज और टू थ्री पैराग्राफ्स बिकॉज हमको ए ब्रीफ स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। सम देन विथ वन पैराग्राफ भी दे सकते हैं, विथ सम पॉइंट्स, विथ एंडिंग। सो ये चार टाइप्स इम्पोर्टेंट नहीं है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है, सब क्वेश्चन किस टाइप का है उस पर ही आप सेकेंड पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ से मॉरल मीन्स एंडिंग से मॉरल कर सकते हैं। देन सेकेंड टिप, मेक लेआउट ऑफ स्टोरी इन योर माइंड। मीन्स आपको एक डायग्राम ठीक से नहीं दिख रही है पर मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी इमेज डाल लूँगा। सो मेक लेआउट ऑफ स्टोरी इन योर माइंड, दैट शुड बी इन दैट वे। सो स्टार्टिंग आपको पता है, स्टार्टिंग में आपको डिस्क्राइब करना होगा लोकेशन, कैरेक्टर्स, एटमोसफियर, देन प्लेस ऑफ स्टोरी, टाइम ऑफ स्टोरी, देन मेन थीम मीन सेंटर आइडिया दूसरे तीसरे पैराग्राफ में आ जाएगा। फिर उसी में ही कंप्लीट देना जरूरी है, मतलब अगर एक ट्विस्ट आ जाता है स्टोरी में तो अच्छा होगा। सो उसको हम फिर सॉल्व करेंगे। फिर लास्टली कंक्लूजन और फिर एंडिंग, और एंडिंग के साथ मॉरल देखें। सो ये डायग्राम को रिमेम्बर करनी है, ये भी नहीं है। ये इमेजिनेटिव पॉइंट्स मीन्स आपको इमेजिनेटिव पॉइंट्स डालने हैं उसी में, पर वो बहुत ही अनयूजुअल नहीं होनी चाहिए। फिर करेक्ट ग्रामेटिकल लैंग्वेज स्ट्रक्चर, सो इसमें आपका बहुत मार चले जाते हैं। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो आपको दूंगा। सो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज आनी चाहिए जो रीडर को मतलब रिलेटिव लगे। सो नेक्स्ट इज हमने अब ए पॉइंट देखने की चार ए पांच पॉइंट वन बाय वन देख लेंगे। पहले कैरेक्टर, सेंटर आइडिया, स्ट्रक्चर, कंप्लीट प्लॉट ऑफ स्टोरी। पहले कैरेक्टर देख लेते हैं। कैरेक्टर शुड हैव मीनिंगफुल डायलॉग्स एंड डायलॉग शुड हैव एक्सप्रेशंस। सो इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टर्स को मीनिंगफुल डायलॉग चाहिए, वो अनयूजुअल नहीं चाहिए, और डायलॉग्स कैसे एक्सप्रेशन में अगर प्रतीत हो तो अच्छा लगेगा, इम्प्रेस कर देगा रीडर को। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स शुड बी इन लिमिट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टोरी। सो स्टोरी की नीड ध्यान में रख के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिमिट में चाहिए, दो या तीन अच्छे होंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो एक गोल्डन रूल ऑफ स्टोरी है। सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी। सो फर्स्ट यू नीड टू सेट अप द टाइम एंड प्लेस ऑफ स्टोरी। मीन्स आपको टाइम मीन्स रात में है, दिन में है, फिर प्लेस कैसे है स्टोरी की, कहाँ पे है, पानी में है, जंगल में है, आपके घर में है। दिस शुड बी ब्रीफ मीन्स ए दो तीन सेंटेंस में ख़त्म होना चाहिए, बट इफ इट विल बी पोएटिक देन इट विल बी मोर इम्प्रेसिव। सो पोएटिक हो जाएगा तो ये अच्छा होगा। डू नॉट रिपीट स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर रिपीट नहीं करना है। यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब लोकेशन मीन्स एटमोसफियर, लोकेशन को डिस्क्राइब, कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। प्लॉट ऑफ स्टोरी, प्लॉट मीन्स अब प्लॉट ऑफ स्टोरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मीन्स वो रीडर को समझ में आ जाए कि हे हमारे जिंदगी में हो सकता है। सो कैरेक्टर्स एक्शन शुड बी लिंक्ड विथ स्टार्टिंग मेन बॉडी एंड एंडिंग। सो कैरेक्टर्स जो एक्शन करते हैं वो स्टार्टिंग के साथ, मेन बॉडी के साथ, एंडिंग के साथ। मीन्स स्टार्टिंग में उसकी डिस्क्राइब करेंगे हम, फिर मेन बॉडी में कंक्लूड आ जाएगा, फिर उनमें से एक कैरेक्टर उसको रिजॉल्व करेगा, फिर एंडिंग में रिजॉल्व किया हुआ कैरेक्टर होगा वो एक मॉरल बताएगा तो अच्छा हो जाएगा। देन कन्फ्लिक्ट आ जाएगा स्टोरी। मीन्स कन्फ्लिक्ट क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट शुड बी ओनली वन इन स्टोरी, बिकॉज हम अगर दो तीन कन्फ्लिक्ट ट्विस्ट इन स्टोरी देते कि स्टोरी बहुत ही बड़ी हो जाएगी, दो तीन पेज की हो जाएगी, तो हमें सिर्फ एक पेज भी या उससे भी कम ख़त्म करने, क्योंकि हमें और भी ज़्यादा राइटिंग स्किल्स है लिखने हैं लेटर राइटिंग जैसे। सो कन्फ्लिक्ट मीन्स अ ट्विस्ट इन स्टोरी। देन कन्फ्लिक्ट शुड बी डिस्क्राइब्ड इन अ इमेजिनेटिव लैंग्वेज। सो ए डिस्क्राइब्ड इन इमेजिनेटिव लैंग्वेज होगा तो इम्प्रेस कर जाएगा, मीन्स रीडर को इम्प्रेस कर देगा। सो रिजॉल्विंग ऑफ कन्फ्लिक्ट शुड बी लास्ट करेगा। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि रिजॉल्विंग सॉल्विंग ऑफ कन्फ्लिक्ट शुड बी इन लास्ट करेगा। हम किसी भी
कैरीवेट कर सकते हैं, पर अगर आपको एक पेज की करनी है, तीसरे पैराग्राफ में इसको रिजॉल्व करके एक मॉरल देना है, तो आप ये अच्छा होगा। ये लास्ट पॉइंट, थीम। थीम मीन्स पूरी स्टोरी, स्टोरी किस आधार पे, क्या ये एक्शन है, क्या ये कोई संदेश दे रही है हमको, तो ये होगा थीम। सो थीम इट विल इंक्लूड प्लॉट सेटिंग कंफ्लिक्ट एंड स्टोरी, मीन्स ऑल ऑफ स्टोरी इट इंक्लूड थीम्स, इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड रिलेटिव टू द रीडर। सो ये इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, रिलेटिव टू रीडर्स होनी चाहिए, मीन्स इसको देखिए स्टोरी को रीड करके इंटरेस्ट आना चाहिए, और है रिलेटिव मीन्स हमारे लाइफ को भी रिलेट करती है, ऐसा लगना चाहिए रीडर को। रिमेंबर दैट थीम इज द मेन ऑफ स्टोरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइबर्स, लाइक शेयर एंड लाइक शेयर दिस वीडियो।